पहले तो आप सभी ने मुझे रामायण में राम के किरदार में देखा था, और फिर गीत भी सबसे पराई में मानसिंह खुराना के किरदार में देखा, फिर पुनर्विवाह जो ZTV पे आता था उसमें यश के किरदार में देखा, झलक दिखलाजा में जीतते हुए देखा, नच बलिए में देखा, फियर फैक्टर में देखा, खतरों के खिलाड़ी में देखा। तो आप लोगों का TV से बहुत सारा प्यार मिला है और हमेशा मिलता रहा है, और अभी सभी जानते हैं, सारे फैन जानते हैं कि बॉलीवुड और फिल्म करना मेरा एक सपना है, मेरा एक ड्रीम है, और ये ड्रीम आप सभी का ड्रीम बन गया था कि गुरमीत को हमें पहली बार देखना है। तो यस, ये हमारी फिल्म खामोशियाँ आ रही है January 30th को, जो कि विशेष फिल्म प्रोड्यूस कर रही है। आप सभी जानते हैं कि फिल्म का गाना ऑलरेडी बहुत हिट हो चुका है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, हर के ज़बान पे है, तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है फिल्म को लेके। और सिर्फ अब 10-15 दिन बचे हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी ये फिल्म देखने के लिए आइए January 30th को। और फिल्म का नाम खामोशियाँ है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग, मैं उसमें इतनी आवाज़ें सुनाई देंगी कि आप बहुत ही इन्जॉय करेंगे। और मेरा किरदार जो है, अब तक आपने TV में मुझे हमेशा अलग अलग किरदार में देखा, लेकिन ये एक ऐसा किरदार है जो अब तक मैंने नहीं किया था, और इस बार मैं करने जा रहा हूँ, जो कि इंटरेस्टिंग है। और मुझे याद है कि भट्ट साहब ने कहा कि फिल्म देखने के बाद, कि गुरमीत ये फिल्म देखने के बाद तुझे बहुत लोग याद रखेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। और आई एम श्योर कि जिस तरीके से हमारा गाना हिट है, उस तरीके से हमारी फिल्म भी हिट रहेगी, और आप सभी का बहुत सारा सपोर्ट की ज़रूरत है।